बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज हम बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल मटर गाजर की करंची करंची पकौड़ी, कहिए या फिर फुलकी। इसके लिए हमने ये आधा कप मटर दाल भिगा के रख दिया था। ये देखिए, अच्छे से ये फूल गए हैं, ये टूट जा रहे हैं। इधर हमने एक गाजर को ग्रेट कर लिया है। सबसे पहले हम दाल को पीस लेते हैं मिक्सी में डालकर। और ये देखिए, हमने मिक्सी के जार में दाल सारी निकाल ली है। और इधर हमने एक पोटी लहसुन की ली है, और ये चार हमने सूखी हुई लाल मिर्च ली है, इसको डाल देंगे। सूखी हुई लाल मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें, इसको हम पीस लेंगे महीन। और ये देखिए, हमने सारी दाल को अच्छे से पीस लिया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे, और अब हम इसको अच्छे से हाथों की मदद से हल्के हाथ से फेंटना है इसे, कि एकदम हल्की फुल्की से रेडी हो जाए। और ये देखिए, हमने अच्छे से इसे हल्के हाथों से फेंट लिया है। अब हम इसमें ग्रेट की हुई गाजर है, इसको डाल देंगे। ये महीन चौक प्याज है, इसको भी हम डाल देंगे। अब ये हमने बैंगन काट के रखे थे पानी में, कि ये काले ना हो, इसे हम, ये देखिए महीन, इसको हमने चॉप किया है, ये भी डाल देते हैं। हरी मिर्च है, सात आठ हमने महीन महीन चॉप की है, ये भी डाल देंगे। और अब हम इसमें रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून डालेंगे, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर है, इसे भी डाल देते हैं। अच्छी सी खुशबू फुलकियों में आती है इसके डालने से। काली मिर्च का पाउडर है, इसे भी हम डाल देंगे थोड़ा सा। हल्दी पाउडर है हाफ टी स्पून, इसे भी हम डाल देंगे। थोड़ी सी हींग डाल देते हैं, डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है ये। अगर कोई चीज़ बेसन की या फिर मटर की बनाए तो आप डालिए हींग। और ये कलौंजी है, इसे भी हम डाल देंगे। अच्छे से सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट है 1 टीस्पून, थोड़ा सा और डाल देते हैं। अब सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। हमने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, ये अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, ये देखिए। अब इसे एक्स्ट्रा क्रंच करने के लिए हम, ये ब्रेड क्रम्स हैं, इसे हम डाल देंगे। थोड़ा सा डालेंगे, एक मुट्ठी, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दाल और मसालों के साथ में और सब्जियों के साथ में। इधर हमने पैन रखा है, इसमें हमने ऑयल डाल के रखा है, इसे हम गरम होने देते हैं। ऑयल हमारा गरम हो गया है, इसे हम अब धीमा कर देते हैं फ्लेम को, और हम इसे फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, कुछ देर हम धीमी आंच पर इसे फ्राई करेंगे, फिर आंच को हम फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। सारा डाल लेते हैं इसी तरह, और अब हम इसे पलट लेते हैं, और उलट पलट कर इसे हम फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए, अच्छा सा ये रेडी हो गया है। और ये देखिए, हमारी करंची सी
गाजर और दाल की फुल्की रेडी है। ये देखिए, और इधर हमने चटनी पीसना है हरी धनिया की। ये हमने दो मुट्ठी भर के ये हरी धनिया ले लिया है, अच्छे से भर लेंगे। और अब हम इसमें ये हरी मिर्च है 7-8 हमने ली है छोटी वाली, और ये एक टुकड़ा हमने अदरक का छील के लिया है, इसे हम डाल देते हैं। और ये सेव है, सेव में सभी चीज़ों का मसालों का मज़ा रहता है, बहुत अच्छी चटनी इसकी रेडी होगी। ये हम डाल देंगे और साथ में हम लेमन है ये एक नींबू हम डाल देते हैं। ये हमने लेमन भी डाल दिया है इसका रस निकाल के। आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने सेव लिया है, इसमें सारी चीज़ें मिक्स होती हैं तो हमने नहीं डाला। सॉल्ट है 1 टीस्पून, इसे भी डाल देते हैं। और इसे हम थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेते हैं। और ये देखिए, हरी चटनी भी हमारी रेडी हो गई है। इसे हम निकाल लेते हैं एक प्याली में। और ये देखिए, हमारी गाजर मटर की करंची करंची सी पकौड़ी, और साथ में हरी चटनी। इसे हम फ्रीज में रख देंगे तो रमज़ान में 15-20 दिन तक ये चल जाएगी। और ये हमने चटनी बनाई है मीठी, कच्ची कैरी हमने सुखा के रखी थी, उसकी हमने बनाई है, ये मीठी चटनी है। और आप इसे ये चटनी लगाइए साथ में मीठी चटनी, और एक बेहतरीन सा मज़ेदार सा चटपटा बाइट दीजिए। अल्लाह हाफिज़।